जी अपना घर संभालें, अपनी पार्टी में देखें, उनकी पार्टी के बिखराव को देखें, अपने घर को देखें। अब ये सच्चाई है कि अब कितने दिन बचे हैं ना। शैलजा के खून में ऐसी बात है, शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। विधानसभा का चुनाव यानी कि हरियाणा की सरकार तय करने का चुनाव, हरियाणा की सरकार को चुनने का चुनाव। 5 अक्टूबर को इसके लिए वोटिंग होगी। 5 अक्टूबर को हरियाणा के मतदाता, हरियाणा की जनता, लगभग 2.75 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर तय करेंगे कि अगले 5 साल हरियाणा किसका। और इस सब के बीच जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी 10 साल पुरानी सरकार को बचाने की कवायद में है, 10 साल से भाजपा की सरकार है हरियाणा में, तो कांग्रेस को ये है कि 10 साल का सूखा खत्म हो। इंडियन नेशनल लोकदल हाथी के साथ मिल करके प्रयास ये कर रही है कि किसी प्रकार से येन केन प्रकरण, ये जो सत्ता का सूखा चला आ रहा है 20 साल से, ये खत्म हो। जननायक जनता पार्टी अपने जुगाड़ में है कि किंग मेकर बने ना बने, कोई इज्जत बची रह जाए। खैर, चुनाव है तो चुनाव में सब कुछ चलेगा। चुनाव के अंदर जितना अपना ध्यान होता है उससे ज़्यादा ध्यान दूसरे का होता है। जितना अपनी तरफ देखते हैं उससे ज़्यादा दूसरे की तरफ देखते हैं। और आप देख रहे होंगे पूरे चुनाव में मनोहर लाल खट्टर से लेकर नायब सिंह सैनी तक, विप्लव कुमार देव से लेकर अमित शाह तक, मोदी जी की एंट्री नहीं हुई, शैलजा जी ने पहले ही आज क्लियर कर दिया। दरअसल बात यह है कि कुमारी शैलजा कुछ खफा थी अपनी पार्टी से, कांग्रेस के लोगों से। उनकी नाराज़गी ये थी कि जहाँ टिकट डिक्लेयर करके शैलजा जी आ गई, उनको भी टिकट नहीं मिला। जहाँ टिकट डिक्लेयर कर दिया था उस सीट पर भी जब कैंडिडेट नहीं मिला, तो स्वाभाविक सी बात है, नाराज़गी तो हो ही जाती है। और नाराज़गी भी हमेशा अपनों से होती है। नाराज़गी वहाँ होती है जहाँ कहीं उम्मीद होती है, नाराज़गी वहाँ होती है जहाँ कहीं प्यार होता है। ये बात अभी कह रहे थे नायब सिंह सैनी और ओम प्रकाश धनखड़ भी कि हरियाणा की जनता हमसे नाराज़ है, तो कभी प्यार था, कोई बात नहीं, कभी आगे भी प्यार हो जाएगा। खैर, मैं बात कर रहा हूँ कुमारी शैलजा की, कांग्रेस पार्टी की, और इसके साथ बात कर रहा हूँ कि हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किस प्रकार से उनका शैलजा जी के प्रति प्रेम, दलित प्रेम जागा हुआ था। लगता है वो सो जाएगा आज से, लगता है आज से वो प्रेम खत्म हो जाएगा। कुमारी शैलजा के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हैं, मनोहर लाल खट्टर तो चौखट पर दस्तक देने तक को तैयार थे, नायब सिंह सैनी शैलजा बहन जी के बारे में सब कुछ कह रहे थे, इन सब से हटकर आज अमित शाह थे। अमित शाह भाजपा के चाणक्य, देश के गृह मंत्री, जगाधरी में थे और उसके साथ साथ एक और उनके क्षेत्र में रैली थी, रैली करने आए थे। और वहाँ पर आ करके उन्होंने दो बात कही, एक तो उन्होंने कही भाई पाकिस्तान अलाप जो रागा जाता है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जब जब चुनाव भारत में आता है तो भारत के चुनाव में पाकिस्तान जरूर आता है, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लाया ही जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पाकिस्तान के नारे लगे कांग्रेस की सभाओं में, और जबकि देश के गृह मंत्री की ही जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पुलिस के अंदर शेयर होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, और यहाँ तो डबल इंजन है, उस पुलिस ने ये कह दिया कि नारे एडिट किए गए थे। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे, इसमें भी नहीं जाएंगे, बात वही आ जाएगी क्योंकि मामला भटकाव का आ जाएगा। बात आ जाती है कुमारी शैलजा बहन जी की। कुमारी शैलजा के लिए जिस प्रकार का प्रेम जागा हुआ था, अब मनोहर लाल जी का तो मैं भी समझ सकता हूँ। उनके भतीजे का फोटो वायरल हुआ, उनके भतीजे का फोटो वायरल हुआ, चाय पीने चले गए थे, पग भटक भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पग शायद भटक गए होंगे रमित खट्टर के, चाय पीने गए थे वो बीवी बत्रा की रोहतक के अंदर, बत्रा साहब ने उनको पटका पहना दिया, कांग्रेस में शामिल करवाने की बात कर दी, बात चल पड़ी, चर्चा चल पड़ी, हवा चल पड़ी, मनोहर लाल जी ने अपने परिवार को साधने की कोशिश की, और बाद में रमित पहुँच गए मनीष ग्रोवर के यहाँ भी, लौट के अपने घर को आए। आप उसे आगे कुछ खुद देख लें क्या कहना है।
तो वो पहुंच गए अपने घर में। अब मनोहर लाल जी को दिक्कत तो होनी चाहिए थी और हुई कि भाई आप मेरे परिवार में मेरे भतीजों को ही तोड़ रहे हो तो मैं भी लग जाऊं। कुमारी शैलजा को जो दलित प्रेम उनका जागा हुआ था वो बहुत और ज़ोर से परवान चढ़ा। कुमारी शैलजा को मनाने के लिए, कुमारी शैलजा को एक तरह से आप कहें तो लॉलीपॉप दिया जाता है, जैसे राजनीति के अंदर जैसे बच्चा अगर नाराज हो जाए तो उसको भी लॉलीपॉप दिया जाता है, तो एक लॉलीपॉप राजनीति का भी होता है। लेकिन कुमारी शैलजा खेली खाई और पुरानी राजनीतिज्ञ हैं, 5वीं बार सांसद हैं देश की, चौधरी दलवीर सिंह की बेटी हैं। चौधरी दलवीर सिंह कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, केंद्र सरकार के वजीर भी रहे हैं। कुमारी शैलजा भी कांग्रेस की बड़ी नेताओं में हैं और केंद्र सरकार की वजीर भी हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जो चाह रहे थे कि किसी प्रकार से अगर कुमारी शैलजा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर चीज़ का समय होता है, आज अमित शाह कह रहे थे रैली के अंदर कि कुमारी शैलजा का सब अपमान, दलित अपमान, ये वो सब कुछ कह रहे थे। नायब सिंह सैनी कहाँ चूकने वाले थे, वो लगातार कई बार कह चुके थे। तो नायब सिंह सैनी को जवाब दिया था कुमारी शैलजा ने, कहा था कि अपने घर को संभालो, आप अपने घर को संभालो बस, सिर्फ क्योंकि नायब सिंह सैनी के तो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी खड़े हुए हैं संदीप गर्ग लाडवा विधानसभा में। कुमारी शैलजा ने नसीहत दे दी कि पहले अपने घर को संभालें। इस शैलजा के ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लेकिन बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना घर संभालें, अपनी पार्टी में देखें, उनकी पार्टी के बिखराव को देखें, अपने घर को देखें। अब ये सच्चाई है कि अब कितने दिन बचे हैं, क्या समय आएगा, दुनिया जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं, यमुनानगर के लोग जानते हैं, छिछरौली के लोग जानते हैं। और आज कुमारी शैलजा एक चौपाल पर थी पंचायत एक टीवी नेटवर्क में, और उसमें उन्होंने वो सारी बातें खोल दी। उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जन्म लिया, कांग्रेस में रहूंगी। उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आएगी, और इसके लिए ये भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो उनका अथक प्रयास है, अथक परिश्रम है, उसके बल पर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और ये भी कहा कि उसमें सभी का योगदान है, हमारा भी है और सबका भी है। बात ये भी चली कि कांग्रेस के अंदर उनकी बेरुखी, तो उन्होंने सीएम पद पर दावा जता दिया, मुख्यमंत्री पद पर। और स्वाभाविक सी बात है, जो लोग राजनीति में हैं वो राजनीति के अंदर बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए हैं। अगर छात्र परीक्षा देता है तो वो ये सोच कर नहीं देता कि इस परीक्षा में मैं पास होऊंगा या इस परीक्षा में फेल होऊंगा। छात्र जब परीक्षा देता है तो उसका सीधा सा होता है कि इसका हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है। और आज का तो युग ऐसा है कि 90%, 95%, 98%, 99% और 99.9% यहाँ तक भी चलता है। तो अगर कुमारी शैलजा कहती हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तो वो कोई उसके अंदर औचित्यहीन बात तो नहीं है। जो राजनीति के अंदर हैं वो किसी भी पद के लिए अपनी दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात आज ये हुई कि कुमारी शैलजा ने उन सभी जवानों पर ताला लगाने का काम किया, उन मुँह पर जो बोल रहे थे उन पर मुझे लगता है कि आज से लगाम लग जानी चाहिए, जिसमें कुमारी शैलजा ने कहा कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थी और कांग्रेसी रहेंगी। उन्होंने कहा कि उनका कांग्रेस, और मैंने आपको पहले ही बताया कि कुमारी शैलजा का जो कांग्रेस के साथ जो लगाव, झुकाव, जुड़ाव जो कुछ भी है वो आज का नहीं है, सदियों का नाता है, पीढ़ियों का नाता है। ऐसा है भाजपा मेरा, मैं समझती हूँ इनके काफ़ी नेताओं से जो आज टिप्पणी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, तो मुझे नसीहत ना दें, मैं अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता खुद तय करना जानते हैं और हम करेंगे, मजबूती से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भाजपा है या कोई है वो मैं जानती हूँ किस तरह की टिप्पणी की जा रही है और भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि शैलजा इस पार्टी में जा सकती है। और कुमारी शैलजा शायद इतनी समझदार राजनीतिज्ञ हैं, और इसमें मुझे शायद लगाना भी नहीं चाहिए, कुमारी शैलजा इतनी समझदार राजनीतिज्ञ हैं वो जानती भी हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। अगर कमलनाथ जी का ही उदाहरण ले लें आप, मध्य प्रदेश से आ गए थे दिल्ली में, दिल्ली में आ करके दस्तक भी दी और जोड़ी से वापस हो गए, तो उनका जो हश्र हुआ, जो अंजाम हुआ वो पूरे देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है।
और मैं कम से कम इतना जानता हूँ कि कुमारी शैलजा इस प्रकार की सुलझी हुई राजनीतिज्ञ हैं कि वो ऐसा कुछ होने का संदेश भी नहीं देना चाह रही थी, इसलिए आज उन्होंने जो मैं आपको बता रहा था टीवी नेटवर्क की जो थी वो कार्यक्रम था, जो कॉन्क्लेव थी, उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट कर दिया और सीधे कह दिया। और मैंने इसलिए कहा था कि निराश तो बहुत होंगे। मुझे ये बताइए कि ये निकली कहाँ से है? ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। निराशा तो हाथ लगी होगी, जो सोच रहे थे कि इस दम पर कुछ ना कुछ दलित मतदाताओं का वोट मिल सकता है। खैर, राजनीति में लोग वोट क्यों देते हैं क्यों नहीं देते ये अलग क्राइटेरिया है। हम कहीं ये भी नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई पक्ष में है या विपक्ष में, हम ये भी नहीं कह रहे। राजनीतिक हवाएं जो संदेश दे रही हैं वो हमारे पास भी आ रही हैं और आपके पास भी आ रही हैं। राजनीतिक हवाएं जो संकेत दे रही हैं वो आपको भी पता है और हमको भी पता है, और कोशिश करते हैं उसके आपको और रूबरू करा दें। लेकिन बात ये आ जाती है कि आखिर ये दलित प्रेम कैसा था, ये दलित प्रेम था कैसा? कुमारी शैलजा के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हों, चाहे नायब सिंह सैनी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे विप्लव कुमार देव हों, अभी एंट्री इसमें शायद अगर शैलजा जी का ये बयान ना आता तो एंट्री तो मोदी जी की भी होती, अब शायद ना हो, क्योंकि शैलजा जी ने कह दिया कि मैं तो कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस में रहूँगी, और साथ साथ दावा भी जता दिया मुख्यमंत्री के पद पर भी। अब कुमारी शैलजा कांग्रेस के चुनाव प्रचार में जुटेंगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एक्स पर पोस्ट की, ट्वीट किया और लिखा कि 26 तारीख से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में करेंगे। और वैसे हमने ये बात आपको पहले भी बताई थी, एक हमने इंटरव्यू किया था आपके साथ, टॉक की थी देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी के साथ में मैंने, और उसमें हमने पहले ही कह दिया था कि कुमारी शैलजा का पहला कार्यक्रम नरवाना से होगा और वो फिक्स हो गया है। नरवाना से कुमारी शैलजा अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ करेंगी। इसके साथ साथ वो उन सीटों पर तो ज़रूर जाएंगी जहाँ पर उनके चहेते उनके समर्थक चुनाव मैदान में हैं, चाहे उनमें चंद्रमोहन बिश्नोई है, चाहे उसमें अम्बाला कैंट से परविंदर परी हैं, चाहे उसके अंदर जगाधरी से अक्रम खान हैं, चाहे उसके अंदर रेणुबाला है, सढ़ोरा से तमाम जो विधायक भी हैं उनके और जिनको टिकट मिला है, उन सब जगह पे कुमारी शैलजा जाएंगी। और जाएंगी वहाँ भी जहाँ उनको पार्टी आलाकमान का निर्देश होगा या पार्टी की तरफ से वो स्टार प्रचारक की सूची में है ही। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब किसी को बुलाया जाता है तो सोचा जाता है, लेकिन यहाँ ये वाजिब बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हों चाहे वो प्रदेश स्तर के नेता हों, और ये राजनीति में हमेशा चलता है, आकर्षित किया जाता है, लुभाया जाता है, लेकिन कोई आकर्षण और कोई लुभावन कुमारी शैलजा को नहीं लुभा पाया। और अब उनका चुनाव प्रचार में रूट भी तय हो गया कि वो कब से कहाँ कहाँ शुरू कर रही हैं। आपको क्या लगता है कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है कि अगर कुमारी शैलजा ने ये निर्णय सुना ही दिया तो क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी का कुमारी शैलजा के प्रति और वो दलित प्रेम की बातें अब भी क्या जारी रहेंगी? और आपको क्या लगता है सबसे बड़ा सवाल कि हरियाणा का चुनाव कौन सी दिशा में जा रहा है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।